ये है धान और इसी धान में 100 दिन बाद फल लगेगा, किसान का मेहनत का फल 100 दिन बाद दिखेगा। तो हंसते हेलो ए बेगाना लम्हे सारा, यहाँ तो न कोई हमारा, तड़पे अगर पहचाने है। तो दोस्तों ये है धान, और धान लगाने में मैं माहिर नहीं हूँ, फिर भी लगा रहा हूँ क्योंकि अपना खेत है और अपना गांव है। यहाँ तो न कोई हमारा, तड़पे अगर ये है तालाब जैसा अपना खेत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमितराज। और दोस्तों ये है मेरा गांव, और अभी हो रहा है धान की खेती हम लोग के गांव साइड। तो मौसम भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए बादल है और कहीं कहीं धूप है। तो दोस्तों एक धान को ना, मतलब एक चावल को बनने में 100 दिन लगता है, तब जाके एक चावल निकलता है धान से। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा मेरे गांव का खेती किसान। ये है तालाब जैसा अपना खेत, इधर दिखा दूँ, ये देखिए चारों साइड आपको दिखाता हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद गांव में धान का बुआई या रोपाई किया जाता है, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो आपको और कुछ दिखाना चाहता हूँ, इधर दिखा देता हूँ यहाँ से। अब एक ठो ही खेत हम लोग का यहाँ बचा है रोपा लगाने के लिए। तो ऐसा है अपना गांव, सुबह से हम लोग लगे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, और यहां पर धान फेंकना है खेत में रोपा लगाने के लिए, रोपाई करने के लिए। इधर आधा फेंका हुआ है धान, और इधर खाली जगह में धान फेंकेंगे तो कल सुबह इसको रोपा लगा सकते हैं, सुबह आकर भोर में। तो गांव में भोर में होता है रोपा लगाने वाला। और इधर दिखा दूँ तो ये है पूरा धान, इसी धान को दोस्तों फेंकना है। तो ऐसा है, हो तो जाना चाहिए। कहे नहीं पूरेगा, हो जाएगा, अब देखे उतना कम होगा, हो गया, ये तो उससे ज्यादा है। बाल्टी को ले जाइएगा ना गाड़ी में, यहाँ से दिखाता है। तो दोस्तों इसको मैं फेंकूंगा, बहुत मजा आएगा दूर तक, आपको दिखाता हूँ, देखिएगा दोस्तों। ये लो, इधर दिखाओ थोड़ा, ये दूर चला गया। आए ये, तो दोस्तों ये है धान, और इसी धान में 100 दिन बाद फल लगेगा, किसान का मेहनत का फल 100 दिन बाद दिखेगा।
तो किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है गाँवों में, तब जाकर निकलता है इससे अनाज। और इसी धान को हम लोग 1 किलोमीटर दूर हम लोग का खेत है वहाँ से लाए हैं, इसको बोरा में भर कर ऐसे हवाई से डोह कर 1 किलोमीटर तक चले हैं। और मेरा पीछे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों मेरा खेत जग चुका है। ये देखिए मेरे पीछे, छतरी हटा लेता हूँ, बहुत तेज हवा चल रहा है दोस्तों और पानी का मौसम भी, इसलिए छतरी चालू, इसलिए छतरी ओढ़ लिया था दोस्तों। इधर देखिए मेरे पीछे पूरा मेरा खेत है और इस खेत में पूरा रोपा लग चुका है, हल्का सा थोड़ा बचा है पीछे, वो भी 1 घंटे में हो जाएगा। और हवा ज़्यादा चल रहा है इसलिए आपको हवा का आवाज़ भी आ रहा होगा। धान, और धान लगाने में मैं माहिर नहीं हूँ, फिर भी लगा रहा हूँ क्योंकि अपना खेत है और अपना गांव है। तो आइए लगाते हैं, थोड़ा पास से दिखाइए। देखो अब इस धान को लगाने के लिए दोस्तों कौन सा गाना गाना है ना, दिखाता हूँ। आवाज ठीक नहीं, फिर भी गाऊंगा यार आपके लिए। अच्छा ठीक है ठीक, गाते हैं। हाँ, कोई किसी को चाहे तो क्या गुना समझते हैं लोग, कोई किसी के खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, ए बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो ना कोई हमारा, तड़पे अगर पहचाने है पत्ता पत्ता बोटा बोटा। दोस्तों आज का खेती बाड़ी हो चुका है और मेरा यहाँ का पूरा खेत रोपा लग चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, जय मसीह।